नमस्कार दोस्तों, मैं विलास सुरकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बड़ी खबरें मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। बालाघाट बैहर हिंदुस्तान कॉपर ताम्र परियोजना मलाजखंड के निजीकरण के विरुद्ध में तथा अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रकार से पिछले कई दिनों से चल रहे अटकलों की एचसीएल कंपनी निजीकरण में जा रही और इसी बात को लेकर क्षेत्रीय लोगों विभिन्न संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बैहर से नरेंद्र सेंडे की रिपोर्ट। पूरे जिले के साथी और क्षेत्रीय संगठन के लोग हैं इनका और हम चक्का जाम और मलाजखंड बंद की तैयारी में लगे हैं। अगर 10 दिन के अंदर में मैनेजमेंट बात नहीं करता। वहीं बालाघाट के उकवा में ग्राम पंचायत लगमा में मजदूरों का हो रहा है शोषण, नहीं दिया जा रहा है कोई काम। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा देश के मजदूरों के हितों में एवं गरीब जनता के हितों में अनेक प्रकार की योजनाएं निकालकर गांव से बाहर जाकर कमाने वाले गरीब मजदूरों को रोकने के लिए योजना निकाली गई है, जिसका नाम है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। किंतु कुछ शासन के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा ग्राम पंचायत के रोजगार अधिकारियों कर्मचारी तथा ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक की लापरवाही के कारण मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है एवं गरीब जनता प्लान करने में मजबूर दिखाई दे रही। इसी प्रकार का एक मामला जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत लगमा का सामने आया। वर्ष 2021 एवं 2022 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सीमा को प्रतिबंधित करने और मजदूरों को काम मिलने के उद्देश्य लगभग 2.5 किलोमीटर की नाली खुदाई का कार्य करने हेतु राशि स्वीकृत की गई और यह राशि का कार्य सितंबर अक्टूबर में शुरुआत कर दिया गया था। किंतु मीडिया ने जब जाकर देखा तो नाली का कार्य 1 किलोमीटर भी खुदाई नहीं किया गया और कार्यस्थल पर साइन बोर्ड जो लगाया गया है उसमें राशि स्पष्ट नहीं दर्शाई गई और किसके घर से बनाई जा रही वह भी नहीं दर्शाया गया। साथ ही मजदूरों की राशि नहीं दर्शाई गई और कार्य कौन से दिनांक से शुरू किया जा रहा यह भी नहीं दर्शाया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि शासन के एस्टिमेट के अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहा एवं मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला में शराब ठेकेदार पवन सचान को जान से मारने की दी सुपारी। एसपी मंडला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि संदीप सिंह और पवन सचान शराब ठेके के पुराने पार्टनर थे। विगत दिनों हिरंदे नगर में घटित संदीप सिंह के साथ हुई मारपीट की घटना में संदीप को पवन सचान पर शक था, जिसका बदला लेने के लिए उसने बाबू बजाज कटनी और विशाल चौधरी गोरखपुर जबलपुर को 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर मंडला बुलाया। इससे पहले कि आदतन आरोपी घटना को अंजाम देते वो चढ़े पुलिस के हत्थे। जांच के दौरान आरोपी के पास बकानुमा तलवारें एक उस्तरा जब्त किया गया। दोनों आरोपी को रिमांड में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्यवाही में एसडीओपी अश्विन कुमार, टीआई आशीष कुमार ध्रुवे, एसआई रश्मि ठाकुर, अमित शर्मा, एएसआई गुलजार मार्को, आरक्षक अमित गरियार, सुंदर भलावी, रामचंद्र, विवेकराज पांडे तथा साइबर सेल आरक्षक सुरेश भटेरे शामिल रहे। मंडला से सुधीर हरदहा की रिपोर्ट। इसके पुराने विवाद को लेकर के पता चला कि संदीप सिंह के द्वारा कुछ व्यक्तियों को हायर करके बुलाया गया है और धमकी दी जा रही है। इस पेपर से हमने काम किया। काम करने पे दो लोगों को हमने गिरफ्तार किया। एक बाबा सिंधी है जो कटनी का रहने वाला है, जिस पर लगभग 18-19 अपराध हैं, और एक विशाल चौधरी है जो जबलपुर का रहने वाला है, वो 7 अपराध हैं। और ऐसा पता चला कि वो उनको हायर करके लाया गया है और वो कुछ घटना घटित करने के उसमें प्रयास में थे। उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे एक धारदार हथियार भी जब्त किया गया। सर, आरोपियों की भनक कैसे लगी आपको? जो बताया ना, ये एक धमकी जो दी जा रही है, एक टिप थी हमारे पास में और उसका एक नंबर आया था, ये नंबर से फोन आया है, तो उसका पर लोकेशन देख करके और उसका हमने कार्रवाई की। थैंक यू सर। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के गिरनापुर में अवंती चौक में होकर पलटा धान का भरा ट्रक। गिरनापुर में शुक्रवार की रात्रि से धान को बोरी भरकर लांजी से गिरनापुर की ओर से जा रहा ट्रक अवंती चौक में अनियंत्रित होकर ट्रक डिवाइडर से चढ़कर पलट गया और सड़क किनारे बने पान की दुकानें होटल गनीमत रही। सब अपने अपने घर चले गए थे, नहीं तो बड़ी जान हानि हो सकती थी।
हम आपको बता दें कि यह मामला गत रात्रि करीबन 8:20 का है, जो धान से भरा ट्रक क्रमांक CG4IZ1925 ट्रक किरनापुर के अवंती चौक में रात्रि से गुजर रहा था कि सामने ठेकेदार द्वारा सड़क डिवाइडर बनाकर अपूर्ण रखा गया, जो डिवाइडर में ट्रक नहीं चलने के कारण पहिया सीसी रोड से नीचे उतर गया। ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में ड्राइवर सहित लगभग 2 लोग बैठे हुए थे, जो बाल बाल सुरक्षित बच गए, जिससे सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची। अवंती चौक वासियों का कहना है कि हाईवे सीसी रोड बना दिया है, किंतु वहीं पर ठेकेदार द्वारा डिवाइडर में सड़क अपूर्ण रखा है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए किरनापुर से भीमराव डोंगरे की रिपोर्ट।